जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे वीकली राशिफल में। ये राशिफल 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक लागू रहेगा। सबसे पहले होली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को। ये पर्व आपके लिए बहुत अच्छा जाए, बहुत रंगों भरा जाए, बहुत मिठास से भरा जाए, यही आपको आशीर्वाद देती हूँ। जितने भी हमारे शिष्य हैं, दरबार के लोग हैं, आसपास में रहते हैं, गुरु माँ से मिलना चाहते हैं या आना जाना उनका लगा रहता है, उन सभी का हम स्वागत करते हैं शनिवार के दिन 12 से 2 बजे तक 23 मार्च को। आप गुरु प्रसाद रूप थोड़ा सा गुलाल अपने और अपने परिवार के लिए हमसे लेकर के जा सकते हैं। ये हमारा आशीर्वाद होगा कि आपकी होली शुभ रहे। आप उससे अपने आप को और अपने परिवारजनों को तिलक अवश्य करें, ताकि भगवान की कृपा और गुरु की कृपा आपको सदैव ही मिलती रहे। जो भी लोग दिल्ली आ नहीं पा रहे हैं, हमारे दरबार में हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। YouTube पर ये जो चैनल है हमारा ग्रहों की बात, इस पर हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते हैं जहां आप घर बैठे ही अपने लिए ऐसे सिंपल और इफेक्टिव उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं आपको इस चैनल पे कभी भी ऐसे उपाय नहीं बताती हूँ जो बिल्कुल कहीं से पढ़े हों या किसी ने बता दिया इसलिए मैंने आपको बताया है, या मुझे व्यूज का कोई लालच है, मैं इसलिए कभी भी उपाय नहीं बताती हूँ। जो मैंने अपने जीवन में आजमाए हैं, अपने भक्तों पर आजमाए हैं, अपने शिष्यों पर आजमाए हैं, केवल वो ही सटीक उपाय मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपके जीवन में बदलाव हो सके। तो हमारे चैनल पे आप अपने राशि अनुसार दो मुख्य उपाय, अगर नहीं आ पा रहे हैं, कष्ट ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, घर बैठे ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है महामंत्र का। अपनी राशि अनुसार आप ढूंढ लीजिए, महामंत्र लिखिए, ग्रहों की बात उसमें सर्च कीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आप रोजाना ही उस मंत्र का, जो मंत्र बताया गया है, उसको विधि पूर्वक करिए। पूरी विधि भी मैंने समझाई है, करके दिखाई है, उसे प्रयोग करो कि चैलेंज है मेरा, आपका भाग्य चक्र जरूर पलटेगा। और अगर आप मंत्र इत्यादि नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या रेगुलर पूजा नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत सटीक उपाय मैंने दिया है। ये उपाय है कुछ मुद्राएं बनाने का। अपने हाथ को किसी प्रकार से आपने कुछ मुद्राएं बनानी है, और उन मुद्राओं को यदि प्रयोग करेंगे, उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, सुबह करें, शाम करें, रात करें, लेकिन वो इतना इफेक्टिव है कि आप एक दो दिन में ही उसका इफेक्ट अपने ऊपर देखने लगेंगे। उस वीडियो को जाकर के भी अपनी राशि अनुसार आप सर्च कर सकते हैं। ये दोनों ही उपाय बहुत ही बढ़िया है आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली में जो राशि है उसके अनुसार ही ये लागू होता है, उसी पे एप्लीकेबल है। और साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास आते हैं, उसके अनुसार भी मैं आपको ये राशिफल में ऐसी छोटी छोटी बातें बताती हूँ जो आप लोग कहते हैं गुरु माँ बिल्कुल सटीक होती है। ये प्रभु की कृपा है, वो मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो राशिफल के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करती रहती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ ट्रैवल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उस ट्रैवल को लेकर के थोड़े कंजूस हो रहे हैं, जाएं नहीं जाएं, अवॉइड कर दें, पैसा बच जाएगा, ऐसी कुछ फीलिंग कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। दूसरा, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं या आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई रिश्तेदार वगैरह, और आप उनके साथ किसी फोर्ट में घूमते दिखाई दे रहे हैं। वो जो किले होते हैं ना, कोई किला आप देखने जा रहे हैं, या कोई व्यक्ति के साथ आप उसको लेके जा रहे हैं किला दिखाने के लिए, या आप किसी के घर गए हैं वो आपको लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फोर्ट्स के जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ फोर्ट्स, कुछ किला, वहां घूमते हुए काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय में पेट जरा फूल सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो सकती है। बहुत लंबा समय अगर आपको खड़ा रहना पड़ता है तो आपके पैरों में भी इस समय में काफी तकलीफ बढ़ सकती है, क्योंकि आपको बैठने का समय कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा बोझिल हफ्ता हो सकता है, काफी आपको फिजिकली स्ट्रेस लग सकता है कि बहुत ज्यादा जैसे आपको काम करना पड़ रहा है। और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट फूलने की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। खाने पीने का जरा ख्याल रखेंगे। इस समय में आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, कुछ लोगों के साथ मिल सकते हैं,
कहीं डांस हो रहा है वहां आप जा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। धन की बात करें तो इस समय में आपको जो धन है, जो एक्सपेंसेस है, थोड़ी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी टेंशन होती रहेगी। कुछ लोग अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं या नया पेंट करवा रहे हैं, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। हमारे सिद्ध दरबार में और हमारा चैनल ग्रहों की बात पर, इस पर हमसे हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और लाभ भी लेते हैं। ऐसे ही एक भक्त जो दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं, उनका देखते हैं, सुनते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ के उनके जीवन में क्या हुआ है। मेरा नाम गुरशरण सिंह है। मैं आज गुरु माँ के दरबार में आया और जो जो बातें गुरु माँ ने बताई वो बिल्कुल सच है। और जो भी काम आज तक जितनी वीडियो देखी है गुरु माँ की, बिल्कुल 100% ठीक है। और जो भी काम आज तक माता के दरबार में आके बोला है, बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल ठीक है। हम तो कहते हैं कि इनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी दया है, जिसकी वजह से ये पूरी संगत का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दरबार बहुत अच्छा है, बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई 1 रुपया नहीं लगता। कोई भी आके अपने यहाँ पे दुख वगैरह, किसी को कोई भी सलाह लेनी है तो गुरु माँ बिल्कुल फ्री सेवा करती है। इस समय में आपके घर के बड़े को आपके लिए कोई निर्णय लेंगे जिसे आपको मानना ही होगा, आंख बंद करके मानना होगा, जैसे वो कहेंगे वैसे ही चलना पड़ेगा। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही आपको उनके डिसीजन से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली जो है कोई ऐसा एक डिसीजन लेगी, आपके घर के बड़े लेंगे और सारी फैमिली को वो मानना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस समय में आपको कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, कोई मैसेज देने की कोशिश करेगा, हो सकता है आपको डीएम करें या आपको कोई व्हाट्सएप करें या आपको कोई मैसेज करें या किसी के द्वारा आपको मैसेज करवाना चाहते हैं या करें, लेकिन वो आपसे मिस हो जाएगा, आप वो मैसेज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो तो आपके सामने रहा है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो मैसेज आपको अभी प्राप्त होता नहीं दिख रहा है, वो आपसे मिस होता दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई आसपास में मैसेज आने वाला है, तो थोड़ा सा उसके लिए केयरफुल रहेंगे, अपना स्पैम बॉक्स वगैरह चेक करते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट मेल हो आपकी स्पैम में चली जाए, जंक में चली जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस समय अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के जो फीलिंग्स हैं वो लगभग म्यूचुअल रहने वाली, एक जैसी रहने वाली है। आप जैसा फील करेंगे आपके पार्टनर भी वैसा फील करेंगे, हो सकता है आप दोनों की सिचुएशन भी एक जैसी हो जाए, तो कहीं ना कहीं दोनों की सेम मिररिंग फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते में। समय का इस समय ख्याल रखेंगे इस हफ्ते में, क्योंकि समय जो है वो काफ़ी तेज़ी से गुजर जाएगा, तो वहाँ आपको क्योंकि बहुत सारा काम इस हफ्ते में करना है तो थोड़ा मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वरना समय जो है वो आपके हाथ से निकलता जाएगा और आपको स्पेशली अपने लिए इस हफ्ते कोई समय नहीं मिलेगा, तो अपनी हेल्थ का ख्याल जरूर रखिएगा। आप सभी को होली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से देते हैं, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। शुभ होली मनाइएगा, अच्छी होली मनाइएगा और बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींचेगा और हमें दिखाइएगा। आप सभी से विदा लेते हैं आज के लिए, फिर से मुलाकात करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।